बाबा मुरली ने कहा है कि माता होती है साकारी और बाप होता है निराकारी, इसका मतलब भाइयों की निराकारी स्थिति माताओं से ज्यादा है क्या? ठीक है, फिर भाइयों को दोनों दोनों दूसरे क्यों कहा तो सदैव है क्या? सदैव निराकारी स्टेज में रहते हैं क्या? तुम क्या समझे कि हम 24 घंटे निराकारी स्टेज में रहते हैं, निर्विकारी रहते हैं? ऐसा पक्का कर लिया? अरे पक्का है ये है? क्या हर एक स्टेज अलग अलग नहीं, दूसरों की छोड़ो पहले अपन ही देखे कि क्या हम हर समय निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में रहते हैं? नहीं, जब नहीं रहते हैं तब दुर्योधन दुशासन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। माताओं को साकारी कहा है और बाप को निराकारी कहा है, बाप यानी भाई ना, जो भाई हैं उनको कहा निराकारी और जो माताएं हैं वो है साकारी, धरणी है साकारी और बाप बीज है निराकारी, बीज तो होता ही निराकारी है। तो फिर ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर क्यों दिया? क्योंकि दुर्योधन दुशासन है, उनको दे देंगे तो संहार करके रख देंगे। बीज तो निराकारी होता है, निराकारी में ज्ञान है, बीज निराकारी तो निराकारी में ज्ञान ज्यादा होता है। हाँ हाँ, निराकारी तो है लेकिन निराकारी 24 घंटे बन पा रहा है कि और ही अपवित्र बन रहा है और बना रहा है? अरे अभी अनुभव क्या कहता है, अपना अनुभव क्या कहता है, दूसरों की बात छोड़ दे। जब हम एकांत पाते हैं पुरुष, तो एकांत पाकर के मनमानी करते हैं या छोड़ देते हैं? है? मनमानी करने से चूकते हैं, नहीं चूकते? तो दुर्योधन दुशासन हुए कि नहीं हुए? कन्या माताओं में लाज रहती है कि पुरुषों में लज्जा रहती है? कन्या माताओं में लज्जा रहती है।